नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैंने कल वीडियो किया था डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पेपर का, तो वो उस वीडियो को अच्छा रिस्पांस आया और कुछ स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी आया मुझे कि सर अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका कैसा रहेगा। अभी कैसे था कि पहले जो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट था उसके एमएसबीटी ने क्या किए थे, 5-6 क्वेश्चन पेपर दिए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने वहाँ पे डाले। लेकिन अभी ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पेपर है ये पहले कभी हुआ ही नहीं, मतलब जी स्कीम में ये अवेलेबल नहीं था। इसके दो पेपर्स थे, एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पेपर था और एक मेट्रोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल था। उसका उन्होंने क्या किया, दोनों मिक्स किया है, मतलब पीआर और जो क्यूसी पार्ट उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट बनाया उन्होंने फाइनल ईयर में और उसको नाम दे दिया IEQ। ओके, तो अभी ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपकी आपकी पढ़ाई चालू रखी है, लेकिन फिर भी अगर ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है उसके ऊपर से मैं एक बता सकता हूँ आपको कि आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहला एक जो प्रॉब्लम है वो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आया वाला यहाँ पे, ये इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स फाउंड इन इंस्पेक्शन ऑफ 10 लॉट्स ऑफ 400 आइटम्स ईच। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये एनपी चार्ट का प्रॉब्लम है, ये 4 मार्क के लिए आया है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए है। ये एक बार आर चार्ट का प्रॉब्लम है। उसके बाद वापस यहाँ पे देख सकते हो आप, एक यहाँ पे भी सी चार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब अभी देखो कितने हो गए ऊपर के, ये 6 और 4 10 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स और वापस ये 6 मार्क्स, 16 मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स और वापस ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए 6 मार्क्स, 16 और 6 22 मार्क्स। मतलब आपको देखिए अभी एक पी चार्ट का प्रॉब्लम हो गया, एक एक्स बार आर का चार्ट का प्रॉब्लम हो गया और एक एनपी चार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ऐसे आपके आपको क्या है, एक सी चार्ट का, एक एक्स बार आर चार्ट का, एक एनपी चार्ट का और एक पी चार्ट का, मतलब हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम आपको आया है। तो मैंने मेरे चैनल पे जितने भी ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स है उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हर एक वीडियो का जो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके दिए उसके वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप पहले क्या कीजिए, हर एक प्रॉब्लम का आप खुद से सॉल्यूशन निकालिए, तो आपको क्या रहेगा, ये जो 22 मार्क्स है इसका टेंशन नहीं रहेगा, मतलब ये 22 मार्क्स आपके हो गए। अभी आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। आगे अगर आप देखोगे ना तो एक मेथड स्टडी और प्रोसेस स्टडी नाम का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप। ये रिकॉर्डिंग टेक्निक है, ये क्वेश्चन उसमें का है। उसके बाद ये सिंबल वाला क्वेश्चन भी उसमें का है, मतलब 4 और 4 8 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। 200 प्रोसेस चार्ट ये भी इसमें के क्वेश्चन है, मतलब 12 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद ट्वेल्व मार्क्स यहाँ पे हो गए वो चैप्टर में से, मतलब मेथड स्टडी और प्रोसेस स्टडी वाला जो आपका चैप्टर रहेगा ना उसमें से। और इर्गोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 4 मार्क का इर्गोनॉमिक का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये एक डिजाइनिंग लीवर ऑफ हैंड प्रेस मशीन, ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स। मतलब 3 क्वेश्चन में आपके 24 मार्क्स यहाँ पे हो गए, मतलब आप मेथड स्टडी और वर्क स्टडी करते हो और इर्गोनॉमिक्स का चैप्टर करते हो तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। और क्यूसी का जो पार्ट है तो क्यूसी का अगर देखोगे ओसी कर्व में से ये पॉइंट आया वाला है, फिर उसके बाद ओसी कर्व क्वालिटी में इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इसका भी वीडियो है, 4 और 4 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। और ये फिर इधर एक है ये, ऐसे 12 मार्क्स। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको प्रॉब्लम्स अच्छे जमते हैं, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, आपको खाली फॉर्मूला में वो रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अभी वापस एक बताता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% आएगा या नहीं आएगा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसको डिवाइड करके स्टडी करोगे, प्रॉब्लम तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिए है वैसे ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। मतलब वो एक्स बार आर के ऊपर प्रॉब्लम डाल सकते हैं, पी चार्ट के ऊपर, सी चार्ट के ऊपर डाल सकते हैं। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके मुझे पूछिए। थैंक यू।